तो यहाँ पर इस समय हम निजामुद्दीन के उसी इलाके में खड़े हैं जहाँ पर वो मरकज स्थित है, जहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। और अभी भी अगर आप देखें तो लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है, और साथ में इस पूरे क्षेत्र से कोशिश की जा रही है जितने लोग यहाँ पर रहते हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। एक एक करके बस को आगे लाया जा रहा है। हमारे सामने से कम 3 बसें अभी तक गुजरी हैं ऐसी, और इन बसों में उसके बाद लोगों को बिठाया जाएगा। दरअसल मरकज से जब लोगों को निकाला जा रहा था, जब यहाँ से निकालने की कवायद शुरू हुई, तो बताया गया कि बहुत सारे लोग थे वो अंदर जाकर गलियों गलियों में छुप गए थे। लेकिन ये उन सब की बेहतरी के लिए है, उन सब के फ़ायदे के लिए है, इसीलिए ज़रूरी है कि उन सभी लोगों को की जाँच की जाए, और अगर उनमें पॉजिटिव केसेस आते हैं तो उनका इलाज करवाया जाए। वरना इस पूरे इलाके में अगर आप यहाँ से आकर देखें, एक एक व्यक्ति को निकाला जा रहा है यहाँ से, जो लोग मरकज में मौजूद थे बाहर से आकर, चाहे देश के दूसरे प्रदेशों से क्यों ना आए हो, विदेशियों को तो यहाँ से निकाला जा चुका है, लेकिन जो आम लोग हैं उन्हें यहाँ से निकाला जा रहा है, और सब एक एक करके। और आप उम्र का भी वर्ग आप सबका अलग अलग देख सकते हैं यहाँ पर, सबको जो अलग अलग भाग भी गया था, भीतरी इलाकों में चला गया था, उन सबको निकाला जा रहा है ताकि किसी सुरक्षित जगह पर रखा जाए। और पूरा जो पूरा रेसिडेंशियल इलाका है, रिहायशी इलाका है, तो इन सभी घरों में क्या उस तरह की जांच उन लोगों की होगी, क्या उन सबको आइसोलेट अगर अपने अपने घरों में ही रह रहे हैं वहाँ पर किया जाएगा, ये सारी चीज़ें देखनी होगी। क्योंकि ये त्रासदी का एक ऐसा पैमाना है जो मुमकिन है लापरवाही की वजह से एक ऐसे स्तर पर खड़ा है जिसके बारे में इस समय अंदाज़ा लगाना बहुत ही कठिन हो सकता है। एक के बाद एक इसी तरीके से बसों में भर भर के यहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है निजामुद्दीन के इलाके से, और सब आगे देख रहे हैं आप। देखिए, एक तो जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं ताकि बेसिक चीज़ों का ध्यान रख सकें। आप अगर सुनेंगे तो वो ये भी बता रहे हैं कि खिड़कियों को बंद किया जाए ताकि जिन इलाकों से होकर ये बस आगे गुजरे वहाँ पर किसी तरह की दिक्कत ना आए, और सारे लोग इसीलिए अब यहाँ पर खिड़कियों को अपनी बंद करें, खिड़कियां बंद करवा कर भेज रहे हैं ना जी। They are spitting outside, that's why. अच्छा, क्योंकि आपको इस समय अपना, समाज का, सबका ख्याल रखना है। ये बताया जा रहा है कि लोग थूक रहे हैं बाहर की तरफ, जिसकी वजह से खिड़कियों को बंद करवाना ही इकलौता ऑप्शन समझ में आ रहा है इस समय। ये सोचने की बात है कि जब पूरी दुनिया एक ऐसी बीमारी से लड़ रही है, आप लोगों को छुपाएं, और उसके बाद जब आपको व्यवस्था दी जाए, आपको इलाज के लिए वहां से ले जाने का प्रयास हो, तो इस तरीके से और उसे आप फैला रहे हैं अगर आप थूक रहे हैं इधर उधर। इसीलिए सभी लोग जो यहां से निकाले जा रहे हैं इनके अपने उपचार के लिए, और इसीलिए भी ताकि पूरे समुदाय में और ज़्यादा न फैले। ये बीमारी बहुत आसानी से फैल जाती है, और जिस तरह का काम ये कर रहे हैं, मास्क वगैरह इन्हें दिए गए हैं, अभी इस तरह की चीज़ें दी गई हैं ताकि ये संक्रमण को कम से कम एक दूसरे में न फैलाएं और पूरे समुदाय में न फैलाएं। पूरा इलाका बहुत घनी आबादी वाला ये पूरा इलाका है, अगर ये काबू से बाहर हो गया तो वाकई भारत, जो अभी तक दुनिया के बाकी देशों की तुलना में एक बेहतर आंकड़े के साथ एक बेहतर प्रबंधन दिखा रहा है, उसके लिए बड़ी परेशानी आ जाएगी।